क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ कि अभ्यास 5C लिखा हुआ कि निम्नलिखित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटना है। सिंपल सी बात करते, देखो हमें क्या लिखा, ए स्क्वायर दिया गया, ए स्क्वायर लिखा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, प्लस के 2a, ए हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब बी की जगह क्या आ रहा है, 4 चौक 16, अब प्लस ये 4 का स्क्वायर है, तो हमारे पास आना कितना चाहिए, 10 आना चाहिए, हमारा आ कितना रहा, 4 दुनिया 8 के, तो इसका मतलब ये तो व्यंजक हो नहीं सकता है, इसलिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको भी क्या कह रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस के 2a, ए की जगह एक्स है, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लस के 20 स्क्वायर, पर हमारे यहाँ दे क्या रहा है, माइनस का दे रहा है, अब कितना आ रहा है, 2 दुनी 4, और आना कितना चाहिए, 5 आना चाहिए, इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो गया, व्यंजक नहीं बन रहा है। अब देखो इसमें आ जाओ, इसमें देखो क्या कह रहा है, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2a, ए की जगह क्या है एक्स है, बी की जगह क्या है 5 है, अब प्लस के 5 का स्क्वायर, जरा देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ ए का स्क्वायर हो रहा है 2ab, 2×5 10x हो रहा है 5 का, ये बिल्कुल सही है, ये व्यंजक हमारा है, ठीक है। कह रहे बेंजी को छाट लिया, बेंजी छाट लिया। अब इसमें देख लो ये कह रहा है 7m 77 ए स्क्वायर प्लस के 20 का 2a और b, यहाँ कितना ये m है और ये n है, और प्लस 10s का, देखो देखो ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, प्लस के 2ab, देखो 2×7 14 14 140 m, ये भी एक व्यंजक है, इस तरह से हमने चेक कर लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए, चलिए इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो ये दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए मतलब 2a, सीधी बात है, ए प्लस के ए 2a हो गया, प्लस के 1 हो गया, अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ए कॉमन आ रहा है, ठीक है, ए प्लस के 1, इसमें क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, ए प्लस के 1, तो क्या आएगा, एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ए प्लस के 1, ये वाला एक क्वेश्चन लिख देंगे और एक क्वेश्चन में ये लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, देखो यहाँ पे चेक करें क्या आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, ये आंसर हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है 36, अब हमारे पास देखो क्या हो रहा है, इसमें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, 36 का दिया गया, अब हमें हल करना है इसको, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पे 36 दिया गया, ठीक है कोई बात नहीं, पर पहले हम इसको एक क्रम से लिख लेंगे, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस के 36, क्रम से लिख लिया हमने इसको। अब देखो यहाँ यहाँ क्या आ रहा है, हमारे लाना क्या है, सीधी बात है, अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्या करेंगे, ए स्क्वायर, यहाँ देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, अब लाना क्या है, देखो गुणा करने में कितना होना चाहिए, 36 आना चाहिए, जोड़ने में क्या होना चाहिए, 12 आना चाहिए, देखो 6x प्लस के 6x, 6×6 12x हो गया, अब गुणा करके 6×6 36 हो गया, सीधी बात है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखो एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस के 6, इसमें क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6×6 36, एक क्वेश्चन इसको लिख लो, लिख लो भैया, एक क्वेश्चन क्या, एक्स प्लस के 6, एक क्वेश्चन एक्स प्लस के 6, तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा, सीधा सीधा ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो, क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस के x का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, इस तरह इसका ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या दिया, 4c स्क्वायर, तो देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखो तो यहाँ क्या 4c स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा, 2c प्लस के 2c प्लस के 1, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2c कॉमन आ रहा है, तो 2×2 4c और प्लस के 1 हो रहा है, इसमें 1 कॉमन आ रहा है, 2c प्लस के 1, अब ये वाला एक कोष्टक में ले लो, 2c प्लस के 1 एक कोष्टक में, 2c प्लस के 1 एक कोष्टक में, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब इसी तरह इसको देख लो, तो इसको लिखा हुआ है, इसमें कोई ज्यादा इसमें छेड़छाड़ करने वाली बात है नहीं, देखो अब देखो क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 36x स्क्वायर प्लस 60 लाना है, तो 30x प्लस के 30x और प्लस के 25, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, देखो तो 6x कॉमन, 6×36x और 6×5 30, ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कितना आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5×6 30 और 5×25,
एक कोष्टक में इसको लिख लो यहाँ पे, क्या जाएगा सिक्स एक्स प्लस के पांच एक कोष्टक में, सिक्स एक्स प्लस के पांच एक कोष्टक में, तो इसका क्या फॉर्मूला बन गया, ये क्या होगा सिक्स एक्स प्लस के पांच का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। ये क्या दिया है, ये दिया है अब हमें लाना कितना है, हमें मालूम है कितना होना चाहिए, जोड़ के छह आना चाहिए। देखो नौ एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स प्लस के थ्री एक्स प्लस के वन, ठीक है तीन तीन छह हो गया, गुणा करेंगे तो तीन तुरका नौ हो गया, तो केस में कॉमन क्या आ गया थ्री एक्स कॉमन आ गया, तो तीन तुरका नौ एक्स प्लस के वन, वन कॉमन थ्री एक्स प्लस के वन कॉमन एक कोष्टक में, इसको लिखना है थ्री एक्स प्लस के वन एक कोष्टक में, थ्री एक्स प्लस के वन एक कोष्टक में, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा थ्री एक्स प्लस के वन का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, देखो कह रहा है कि इसका क्या करना है गुणनखंड करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसको। चलो इसको देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर दिया गया ठीक है, देखो यहाँ पे गुणा करके क्या आना चाहिए एक बटे चार आना चाहिए, जुड़ के क्या आना चाहिए एक्स आना चाहिए। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक बटा दो एक्स प्लस के एक बटा दो, सीधे आधा आधा जोड़ेंगे क्या आ जाए एक बन जाए एक आ गया, प्लस एक बटे चार हो गया। इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, देखो दोनों में इसमें एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स प्लस के एक बटा दो, ऐसे इसमें इसमें कौन रहा है एक बटे दो कॉमन आ रहा है एक्स प्लस के एक बटा दो, ठीक है तो एक कोष्टक में इसको लिख लेना है एक्स प्लस के एक बटा दो एक कोष्टक में एक्स प्लस के एक बटा दो, ठीक है तो क्या हो गया ये बन गया हमारा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया एक्स प्लस के एक बटा दो का होल स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसको देख लेते हैं पी स्क्वायर, तो इसको देखो कैसे करना है, इसको देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है अब देखो पी स्क्वायर तो हो गया इसमें, अब हमें लाना क्या है 25, तो इसका मतलब क्या हो गया पांच बटे दो पी और प्लस के पांच बटे दो पी प्लस के 25/4 हो गया। अब कॉमन इसमें क्या आ रहा है हमारा पी कॉमन आ रहा है, पी कॉमन पी प्लस के 5/2 और प्लस इसमें कितना आ रहा है 5/2 कॉमन आ रहा है, तो पी प्लस 25/2 इसको एक कोष्टक में ले लो, तो क्या हो जाएगा पी प्लस के 5/2 एक कोष्टक में, पी प्लस 5/2 एक कोष्टक में। अब इसको क्या करेंगे लिख लेंगे सीधा सीधा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा देखो पी प्लस के 5/2 का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।